ये झरने, ये पहाड़ और ये कलियां, सुंदर सुंदर सी ये फूलों की कलियां मेरे मन को बहाती हैं और मुझे फिर से पहाड़ों में लेके आती हैं। कि इतना दिया साहे सरकार ने मुझे, कि इतनी तो मेरी औकात भी नहीं। ये कर्म है उसका मुझ पर, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। भाई बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आप आते हो तो एक अलग ही सुकून पाते हो। और जैसे कि आप सामने देख ही रहोगे, जहाँ से धुआं उठ रहा है वो है तपोवन, जो भगवान विष्णु जी के चरणों में से आता है। और यहाँ से देखें, ऐसा कहते हैं इस तपोवन कुंड में स्नान करने से आपकी बॉडी में जितने भी रोग होते हैं वो सब यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। जय बाबा बद्री विशाल। बद्रीनाथ टेम्पल में भाई कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, तो इसलिए आप प्रसाद जहाँ से ले रहे हैं वहीं पर अपने जूते उतारिए। और यहाँ पे पर प्रसाद का क्या चार्जेस होने वाला है भैया? आपको 300 लेके 200 तक मिलेगा। अच्छा, प्रसाद जो चाहे आपको मिलेगा। वाह, श्रद्धा अनुसार जो आपकी इच्छा है वो। बोल बाबा बद्री विशाल की, वैकुंठ धाम की। पंडित जी आप बताइए क्या बताना चाह रहे थे जैसे कि यहाँ के बारे में? विष्णु भगवान जी जो है शेषनाग पे सोते हैं, ठीक है? तो ये यहीं पे देखो, ये शेषनाग है, सामने देखो शेषनाग है, ये ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, सात खंड है ये, और इसी के नीचे वाले हिस्से में जो है विष्णु भगवान जी सो रखे हैं। जो बद्रीनाथ है, बद्री कहते हैं संस्कृत में बेर के लिए, और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी यहाँ पे बेरी का वृक्ष बनी, और विष्णु भगवान जी का नाम जो है नारायण है, और यहाँ बद्री जो शब्द आता है ये माँ लक्ष्मी का नाम है बद्री, बद्री नारायण। ये यहाँ के गाँव है जो कि अभी बद्रीनाथ डेवलप हो रहा है दोबारा से, तो इसलिए यहाँ पे काम चल रहा है। और पंडित जी हमारे साथ चल रहे हैं और हम अपन जा रहे हैं अभी ऋषि झरने की तरफ। पुरानी पुरानी चीज़ें देखें क्या लग रही है यार, सच में यार मतलब मज़ा आ गया गांव देख के यार। और ये तभी हो पाता है जब आप घर से निकलते हैं, और घर से निकलने के बाद जो खूबसूरती मिलने आती है वो अलग ही मिलती है भाई। देखें भाई क्या छोटे छोटे बना रखे हैं होम, और झोपड़पट्टी बना रखी है, क्या ही लग रहा है। देख रहे वुडन का बना रखा है पूरा, देखें भाई क्या ही लग रहा है यार। हम पहुंच चुके हैं ऋषि कुंड के तरफ, और यह दिखाता हूं भाई आसपास का जो व्यू है ना भाई, अलग ही लेवल का आ रहा है सच में। कहते हैं एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे ऋषि मुनि यहाँ पे अपना स्नान करके फिर बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। बद्रीनाथ भगवान के आना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पहाड़ देखे आप भाई, क्या ही लग रहे हैं। मैं यही कहूँगा अगर आना चाहते हो ना तो आ जाया करो, क्योंकि हर बार ज़िंदगी आपको चांस नहीं देती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी यही कहूँगा, जब भी दिल करे निकल जाएगा करो यारो, जिंदगी बहुत छोटी है यार। लाइक एंड शेयर जरूर करना वीडियो को, बहुत ही मेहनत लगी है विशाल भाई की इसमें। बताना भूल गया, ये मेरा छोटा भाई है जो कि राहुल नाम है इनका। देखो यार नेचर इसे कहते हैं, छोटी छोटी गई है वहाँ पे गोविंद गोभी के फूल। और यहाँ नेचर देखें भाई क्या ही आ रहा है यार, दिल खुश हो गया, फूल ही फूल। देखें चेक करें आप, अलग ही है भैया, जादू है उत्तराखंड में भाई, जादू है सच में। चलिए दिखाते हैं मार्केट, मार्केट की बात हुई थी मेरी ऐसे आपसे, तो मार्केट दिखाते हैं उसके बाद निकलते हैं कहाँ शॉपिंग करने के लिए। सामने एक बार आप मूवमेंट चेक करें भाई, क्या ही बारिश हो रही है, बादल ही बादल है। और देखें भाई मतलब यहाँ की भाई कोई टक्कर नहीं, देखो पूरा ढक चुका है, बादल आ चुका है। चेक करें भाई आप एक बार, One hour later.
तो उस टाइम अपन दूध और जलेबी खाने के लिए आए हैं, और भाई देखें दूध कितना खोल रहा है। दूध का गिलास आ गया था, देखिए तक तो बना, और ये कुछ जलेबी है खत्म कर चुका हूँ इसलिए नहीं बनाया, बाकी दूध बहुत अच्छा है यहाँ का। नेक्स्ट टाइम ट्राई जरूर करना जब आओ तो विक्रम वाले भाई पर। तो चलते हैं, तो विक्रम भाई हम नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। ठीक है भाई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आओ बद्रीनाथ में, कभी भी आए, मई में आए चाहे जून में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे इस दुकान की जो बद्री विशाल विक्रम टी स्टार की दुकान में सारा दूध जलेबी का ही काम बनता है, और आप आए आपके लिए वेलकम। थैंक यू विक्रम भाई। यहाँ देख ही सकते हैं भोजन अगर करना है शुद्ध शाकाहारी, और जैसे कोई ब्राह्मण है तो यहाँ पे भोजन करके अपना पेट भर सकता है, और बहुत कम चार्जेस होने वाले हैं। और ये कुछ यहाँ पर होटल है, रह भी सकते हैं यहाँ पे, मात्र और मात्र 800 रुपये लगते हैं। और मैं जिसमें रुका हूँ भारत श्री, उसमें मेरे हिस्से 800 रुपये ले गए हैं, और बहुत अच्छा है। सामने आप दर्शन करें मानसिक रूप से मोक्ष के दाता भगवान विष्णु, और जो कि चारों धाम में से सबसे ऊपर आते हैं, जहाँ भगवान आराम कर रहे हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे, अगर मॉर्निंग आते हैं तो यहाँ पे 7 फन दिखेंगे आपको शाम जी के, तो ये देख ही सकते हैं। तो भाई अकेले ट्रैवलिंग कर रहे हैं वैसे, और घर वालों को ठसा और झूठ बोल के आए कि मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, तो भाई घूम रहे पर अच्छा लगा, क्योंकि ट्रैवलिंग करना मतलब अपने पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि ट्रैवलिंग करोगे सीखोगे तभी तो जीतोगे, क्योंकि जीतता तो वही है जो सीखता है। और यहाँ से कुछ मार्केट का कुछ नज़ारा होने वाला है, चलिए हम दिखाते हैं ज़रा। जैसे आप कुछ लेना चाहते हो ठस्से में फ़ोटो खींच रही भाई उसका आज है। यहाँ से आप कुछ बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ यादगार चीज़ें ले जाने चाहते हैं, यहाँ पे दर्शन सामने बाबा हमारे। पर ऐसा कहा जाता है कि जैसे यहाँ से आप प्रसाद लेते हो तो यहाँ पे वैसे कोई जगह तो है नहीं, नहीं है पर हाँ, तो यहाँ जूते रख सकते हैं आप। नहीं रख, बहुत बहुत शुक्रिया, पर वो वैसे भी हम वैसे जा रहे हैं। जो चलिए ऊपर फ्यूचर में जो बद्री बनने वाला है भाई, वो इस तरह से कुछ दिखेगा, देख ही सकते हैं आप। और सामने हमारे भगवान बद्री विशाल। तो फाइनली अपन यहाँ करते हैं ब्लॉग समाप्त भगवान बद्रीनाथ के दरबार में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना, और कमेंट में जय बाबा बद्री विशाल लिख देना। ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो राहुल भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी विशाल भाई के चैनल। और एक और मित्र मिल गए हमारे, दिल्ली से हैं, और ये भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सबसे परमिशन लेके आए हैं। क्या करते हैं, और मैं हूँ राहुल विशाल भाई के साथ, और चीता ही क्या है शेर। तो भाई दर्शन हो चुके हैं हमारे, तो एक बार बोलेंगे चिल्ला के भाई, स्पीक हो जाए भाई, एक बार बोलो बद्री विशाल की जय।